हाय फ्रेंड्स, तो आज लेकर आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही सिंपल इजी क्विक सी पास्ता रेसिपी जो मैं अक्सर अपने घर में बनाती हूँ। बहुत ही इजी है इसका तरीका बनाने का, इसलिए बहुत ही क्विक स्नैक रेसिपी भी है मेरे घर पे ये। तो मैंने सोचा शेयर करूँ ये डिलीशियस रेसिपी आज आपके साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें बनाते हैं ये डिलीशियस सा वेज पास्ता। सोनिया बाटन चैनल और मैं आपके लिए लेकर आई हूं आज ये बहुत ही मजेदार और बहुत ही इजी सिंपल सी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आपके साथ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक जरूर से दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर से क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज आपको मिल जाए अपलोड करते ही। तो बस बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं ये मजेदार सी रेसिपी। तो शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैंने ये देख सकते हैं आप आधी रेड बेल पेपर ली है, 4 टमाटर लिए हैं जिसको कट लगा के इस तरीके से उबलने के लिए डाल दिया है हमने ताकि इसका छिलका जो है वो हम उतार सकें। और ये साथ साथ डाल दिए 5 से 6 साबुत लाल मिर्चें। शिमला मिर्च जो आधी ली है उसको काट कर इस तरीके से डाल दिया है, इससे अच्छा रंग भी आता है जो हम सॉस पहले प्रिपेयर करेंगे उसमें। तो सब चीज़ें आप देख सकते हैं उबलने लग गई हैं। इसको 3-4 मिनट इसी तरीके से मीडियम फ्लेम करके उबलने देंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम बंद करके इसको ठंडा कर लेंगे निकाल कर, और फिर हम इसका जो छिलका है टमाटर का वो अलग करके इसको ब्लेंड करेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, मैंने छन्नी में इसको निकाल लिया है, हल्का ठंडा हो जाता है जब तक ये, तब तक हम पास्ता उबालने की तैयारी कर लेते हैं जिसके लिए मैंने 5 से 6 कप पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया, जिसमें हल्का सा डाला है ऑयल। 1 टीस्पून के करीब आप इसमें ऑयल डाल दें और उसके बाद डाल दें नमक और इसको उबलने दें। जब इस तरीके से पानी में उबाल आने लग जाए तो हम इसके अंदर डाल देंगे 2 कप पास्ता, और पास्ता को उबलने देना है जब तक कि पार्शियली कुक्ड यानी कि बिल्कुल हल्का सा अनकुक जो रह जाता है जिसको अलदांते बोलते हैं, उस स्टेज तक हमें इसको पकाना है। मतलब कि जब हम इसको बाइट करें तो एक फर्मनेस भी हो इसके अंदर लेकिन ये कच्चा भी ना हो। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अभी पास्ता में हल्की सी मुझे कसर लग रही है तो मैं इसको थोड़ी सी देर और पकाऊंगी। तो अप्रॉक्सीमेटली 10-12 मिनट आपको लग जाते हैं इन टोटल पास्ता को अलदांते स्टेज तक कुक करने के लिए, और उसके बाद बस हम इसको इस तरीके से छन्नी में निकाल लेंगे, सारा जो पानी है उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो इसको स्ट्रेन करने के बाद आप देख सकते हैं पास्ता एकदम बिल्कुल अलग अलग है, इसी तरीके का पास्ता होना चाहिए। हल्का सा इसमें आप चाहें तो ऑयल डाल सकते हैं ताकि मीनवाइल जब आप सॉस बनाएं तो ये पास्ता जो है चिपके ना आपस में, ऐसे ही रहे बिल्कुल एकदम अलग अलग। जो हमारे टमाटर हमने उबाले थे वो भी सॉफ्ट हो गए, तो इस तरीके से बस सारे टमाटर का आपको छिलका निकाल देना है और इन सब चीज़ों को एक साथ पीस लेना है। और ये आप देख सकते हैं बेसिक हमारी सॉस बनाने के लिए प्योर है, बिल्कुल तैयार है। अब चलते हैं प्रिपेयर करते हैं पास्ता, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये 2 टेबलस्पून के करीब बटर को हीट करा है, साथ में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी डाला है जिससे कि बटर जो है हमारा लगने ना पाए जब हम इसको हीट करें। बटर को मेल्ट होने देते हैं और इसके बाद इसमें हम डालेंगे सबसे पहले गार्लिक। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 लहसुन की कलियों को बिल्कुल फाइनली चॉप कर रखा है और उसको डाल दिया है। हल्का सा इसको स्टर फ्राई करेंगे, उसके बाद डालेंगे इसमें 1 मीडियम साइज़ की फाइनली बिल्कुल डाइस की हुई प्याज। दोनों को हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे, यहाँ पर हमें प्याज का कलर नहीं चेंज होने देना है, हल्की सी प्याज जैसे ही पक जाए कच्चापन इसका चला जाए। इसके अंदर डाल देंगे हम शिमला मिर्च हरी, तो 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, आप अपने पसंद के शेप और साइज़ में इसको कट कर सकते हैं। इसको भी हल्का सा 2-3 मिनट के लिए हम इस तरीके से स्टर फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं कॉर्न, मैंने यहाँ पर कैन कॉर्न का इस्तेमाल करा है 1/4 कप के करीब। अगर आपके पास कैंड कॉर्न नहीं है तो आप फ्रेश अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको उबाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें डाल देंगे अब जो हमने टमाटो प्योरे बनाकर तैयार करी है वो, और इसको अब हम पकाएंगे जिसके साथ साथ हमारे वेजीज भी सॉफ्ट हो जाएंगे। डाल देते हैं इसमें नमक, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। मैं यहाँ पर 2 तरीके के हर्ब्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, ऑरिगैनो बेसिल, आप अपनी पसंद के कोई भी मिक्स्ड प्रोसेस्ड हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर ब्लैक ऑलिव्स का इस्तेमाल करा है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे हम जब तक सॉस हमारी बिल्कुल पक नहीं जाती कम्प्लीटली। ढक्कन ढक के इसको 3 से 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकने देंगे।
तो ये आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें हल्का सा रेड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अक्सर कैंड टमाटोज आते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है सॉस को बनाने के लिए, जिसमें पार्शियल फूड कलर होता है तो थोड़ी रेड दिखती है सॉस। आप चाहें तो फूड कलर इसमें ऐड करें, मैं यहाँ पर बिल्कुल ऐड नहीं कर रही हूँ फूड कलर। अब हमने इसके अंदर डाल दिए 2 से 3 टेबलस्पून टमाटो केचप और इसको मिक्स कर देंगे। ये जो माइल्ड सी स्वीटनेस है, ये चिली का जो फ्लेवर है इसमें, उसको बड़े अच्छे से बैलेंस करती है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट ऐड करती है इस सॉस में। हल्का सा इसको पकाया हमने 1-2 मिनट और उसके बाद जो पास्ता हमने बॉईल करके रखा था वो इसमें डाल दें और इसको इस तरीके से मिक्स करना शुरू कर देंगे। अब हम इसको 2-3 मिनट इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं एकदम थिक सॉस में कोटेड ये पास्ता बहुत ही लाजवाब ऑलरेडी दिख रहा है। और ट्रस्ट मी, जितना ये देखने में लग रहा है उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। जब आप बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा चिली का फ्लेवर एनहांस करने के लिए। मैंने यहाँ पर चॉप्ड पार्सले डाला है एंड में, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते पार्सले तो ना करें। साथ में डालिए थोड़ी सी मोज़रेला चीज़। बहुत ज़्यादा चीज़ का इसमें इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इसमें बेसिक जो है सॉस का जो फ्लेवर है वही आना चाहिए, इसलिए मोज़रेला बहुत कम इस्तेमाल करी है मैंने। और बस उसके बाद गर्मा गर्म इसको करें सर्व। तो बहुत ही लाजवाब ये डिलिशियस हमारा पास्ता, बहुत ही झटपट इजी सी क्विक रेसिपी है। बनाना जितना इजी है खाने में उससे भी ज़्यादा लाजवाब है ये। ट्राई करेंगे आप तब आपको पता चलेगा। ट्राई करें ये रेसिपी, बहुत ही सिंपल इजी तरीका है और अपने पसंद के वेजीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, अगर थोड़ा तीखा पसंद है, थोड़ा ज़्यादा चीज़ी पसंद है तो आप चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और इसको बना सकते हैं। शेयर कीजिए ये रेसिपी अपने फ्रेंड्स, अपने लव्ड वंस, अपने रिलेटिव्स के साथ और अगर पसंद आई है ये वीडियो तो इसे लाइक ज़रूर से दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।